Next question is, the following figure shows the velocity time plot for the particle traveling along a straight line. The distance covered by the particle from time t is equal to 0 seconds to time t is equal to 5 seconds is dash meters. और ये क्वेश्चन आया था गेट मैकेनिकल 2017 में इन सेट वन फॉर वन मार्क. और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. ठीक है, बेसिकली क्या चीज़ है, हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम कर्व है एक ऐसे पॉइंट के, एक ऐसे पार्टिकल की जो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है, और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास है. और हमें निकालना क्या है इसमें, क्या कि टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स से लेकर टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स तक, इस दौरान जो हमारा पार्टिकल है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, पर इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं क्या कि आपको इस ग्राफ के ऊपर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, इसके ऊपर ये हाइट नज़र आ रही है, ये वाली हाइट. ठीक है, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि हाइट क्या दर्शा रही है. ठीक है, और आपका जवाब आपको मालूम है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटिंग, बेसिकली इट इज़ रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को. अगर मैं आपसे पूछूं कि ये छोटी सी चौड़ाई, ये छोटी सी चौड़ाई इस ग्राफ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपको पता है कि ये जो छोटी सी चौड़ाई है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है हमारे छोटे से टाइम इंटरवल डी टी को. ठीक है, तो ये छोटी सी चौड़ाई हमारे इस छोटे से टाइम इंटरवल डी टी को, टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा हाइट इंटू बेस, यानी वी इंटू डी टी. और हम सभी जानते हैं कि वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल डी टी दैट इज इक्वल टू माई डिस्टेंस ट्रेवल्ड. ठीक है, तो वेलोसिटी इंटू छोटा सा टाइम इंटरवल डी टी दैट विल गिव माई छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल्ड. ठीक है, तो ये एरिया बेसिकली कर्व के नीचे का एरिया ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि मेरे पॉइंट ने, पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. ठीक है, तो अगर मुझे निकालना हो कि टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड से लेकर टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स तक इतनी देर में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो सिंपली मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा फ्रॉम टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स टू टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स. तो 0 से लेकर 5 तक मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा. और ये इंटीग्रल आपको पता है कि इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रेशन बेसिकली होता है एरिया अंडर द कर्व. ठीक है, तो 0 से लेकर 5 तक ये जो कर्व ड्रॉ हुआ है, ठीक है, इस कर्व के नीचे का एरिया जो है दैट विल बी माई डिस्टेंस ट्रेवल. ठीक है, तो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है क्या कि टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड से लेकर टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स तक एरिया अंडर द कर्व कितना है. ठीक है, तो आइए हम निकाल के देखते हैं क्या. तो सॉल्यूशन बेसिकली क्या है, क्या कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व ऑन अ वी टी डायग्राम. ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया है दैट्स माई डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हम ये जो 0 से लेकर 5 तक का जो ग्राफ है हम इसे छोटे छोटे एरियाज में तोड़ लेते हैं. जैसे 0 से लेकर 1 तक का एरिया ये क्या है, बेसिकली एक ट्रायंगल. तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू, हमारा बेस है 1 और हाइट है 1, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, प्लस इसके साथ में जो हमारे पास फिगर है उसकी हाइट भी है 1 और उसकी बेस की चौड़ाई भी है 1 से लेकर 2 तक 1, सो इट इज स्क्वायर. तो उसका एरिया होगा 1 इंटू 1 प्लस उससे अगली जो हमारे पास डायमेंशन है वो है ये हाइट है 1 और इसी के पैरेलल ये हाइट है 4 और बेस की चौड़ाई है 1. तो ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम का एरिया हम जाते हैं इट इज हाफ इंटू बेस, बेस है हमारा 1 मल्टीप्लाइड बाय एच वन प्लस एच टू. एच वन हाइट फर्स्ट है इसकी, इट इज 1 प्लस इसकी ये वाली हाइट है 4. ठीक है, प्लस और उसके बाद आ जाता है दूसरा ट्रेपेजियम ये वाला. ठीक है, तो इसका
एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, इसका बेस है 3 से लेके 5 तक, इसका बेस है 2, हाफ इंटू बेस है 2 इंटू इसका हाइट का सम होगा, दिस इज माई 4, ये हाइट है 4 और ये हाइट है 2, सो दिस इज 4 प्लस 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया आ गया है 1 इंटू 1 बाई 2, इट इज़ 0.5 प्लस 1 इंटू 1, दैट इज़ 1 प्लस 5 बाई 2, दैट इज़ 2.5 प्लस, ये 2 से 2 कट जाएगा एंड 4 प्लस 2, इट इज़ 6। तो ये आ रहा है हमारा 6 प्लस 1 7, और 0.5 प्लस 2.5, इट इज़ 3, सो इट गिव्स अस 10 मीटर्स। सो दैट्स हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम।